दोस्तों आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको थंबनेल बनाना सीखना होगा, क्योंकि दोस्तों YouTube पर काम करने से पहले सबसे पहला दोस्तों हमारा जो काम होता है थंबनेल होता है। क्योंकि दोस्तों जब तक आपका थंबनेल प्रोफेशनल नहीं होगा, जब तक दोस्तों आपका थंबनेल क्लिक वर्ड नहीं होगा, तब तक फ्रेंड्स आपका कोई भी वीडियो वायरल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको YouTube पर काम करने से पहले थंबनेल बनाना सीखना होगा। जैसे कि दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो को मैंने कल अपलोड किया था और इसका जो इम्प्रेशन दोस्तों 1500 लोगों पर यूट्यूब ने भेज दिया है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो पर व्यूज नहीं आया। इसका जो क्लिकवर्ड थंबनेल है वो दोस्तों 0.6% है, तो दोस्तों इसका जो थंबनेल क्लिकवर्ड है वो काफी डाउन है, या दोस्तों हमारा 5 पॉइंट से एक्स्ट्रा रहता है, यानी 5 पॉइंट से ऊपर रहता है, दोस्तों हमारा क्लिकवर्ड काफी अट्रैक्टिव है, काफी बेस्ट है। यदि फ्रेंड्स आपका 5 से डाउन में आता है तो फ्रेंड्स आपको उसका थंबनेल तुरंत बदल लेना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इसका जो थंबनेल है 2 घंटे पहले बदल दिया है और इस वीडियो पर दोस्तों व्यूज आने लगा है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम भी अपनी वीडियो का थंबनेल जितना ज्यादा क्लिकवर्ड बनाएंगे, जितना ज्यादा दोस्तों अट्रैक्टिव बनाएंगे, उतनी ज्यादा दोस्तों हमारी वीडियो YouTube है वो रिकमेंड करता है, YouTube रैंक कराता है, और जितना ज्यादा दोस्तों हमारी वीडियो लोगों पर पहुंचेगी उतना ज्यादा दोस्तों हमारी वीडियो पर क्लिकवर्ड होगा। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी के साथ मात्र 2 मिनट के अंदर क्लिकवर्ड थंबनेल बना सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से थंबनेल बना सकते हैं आसानी के साथ में। दोस्तों आपको थंबनेल बनाने से पहले आपको कुछ समय आपको पिक्सल लैब के अंदर देना होगा। जितना ज्यादा दोस्तों आप पिक्सल लैब के अंदर समय देंगे सीखने के अंदर, तो दोस्तों आपको यहां पर कुछ आपको पर्सनली आपको यहां से ज्ञान होगा, पर्सनली फ्रेंड्स आपको यहां पर कुछ सीखने को मिलेगा। जितना ज्यादा दोस्तों आप थंबनेल बनाना अच्छा सीख जाएंगे, जितना ज्यादा दोस्तों आप क्लिकवर्ड थंबनेल बना लेंगे, उतना ज्यादा दोस्तों आपकी वीडियो वायरल होती होगी। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, यदि फ्रेंड्स आप थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आपने इस वीडियो को यदि पूरा देख लिया तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, 1000% फ्रेंड्स आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में दोस्तों आपको कोई YouTube पर दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से किस प्रकार क्लिकवर्ड थंबनेल बना सकते हैं मात्र 5 मिनट के अंदर। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर पिक्सल लैब को डाउनलोड करना होगा। दोस्तों यहां पर हमने पिक्सल लैब को डाउनलोड कर लिया, आप दोस्तों अपने मोबाइल फोन के अंदर पिक्सल लैब को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप प्ले स्टोर पर इसको पिक्सल लैब को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप इसको डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों आपको वहां पर ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन दोस्तों आपको ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों आप ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, ये जो साइज है वो थंबनेल का साइज नहीं, आपको यहां से थंबनेल का साइज उठाना है। थंबनेल का साइज उठाने के लिए दोस्तों आपको यहां पर जो 3 बिंदु का ऑप्शन आ रहा है इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा इमेजेस साइज, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहां पर ये ऑप्शन मिलेगा कस्टम का, दोस्तों आपको यहां पर कस्टम पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप कस्टम पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहां पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा यूट्यूब थंबनेल, दोस्तों आपको यूट्यूब का थंबनेल जो ऑप्शन आता है इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर जो साइज है 1280x720 दोस्तों आपको यहां पर ये ओके कर देना है। तो दोस्तों आपका जो YouTube का जो थंबनेल का जो साइज है वो आपका सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपका ये जो नाम आप ये जो मांग रहा है न्यू टैग, इसको दोस्तों आपको यहां से डिलीट करना है। डिलीट करने के दोस्तों आपको यहां पर जो डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो फ्रेंड्स आपका न्यू टैग ये डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों जो हमारा ऑप्शन रहता है वो रहता है हमें बैकग्राउंड लेना, यानी कि YouTube का जो बैकग्राउंड रहता है वो आपको बैकग्राउंड यहां से उठाना है। तो बैकग्राउंड उठाने के लिए दोस्तों आपको लास्ट वाले आइकन पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप लास्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहां पर एक कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस कलर पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस कलर पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला दोस्तों आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा कलर का, आपको फर्स्ट वाले पर आप यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप फर्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहां पर ऊपर की तरफ इसको करेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर काफी कलर आपको बैकग्राउंड के देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहां से कोई भी कलर चॉइस से उठा सकते हैं, कोई भी फ्रेंड्स आप यहां से कलर उठा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फ्रेंड्स आपको यहां पर एक प्लस का आइकन आता है, यहां से आप अपना कोई भी नया कलर बना सकते हैं। दोस्तों यहां से हमें कोई कलर नहीं उठाना है, हमें सेकंड वाले ऑप्शन पर जाना है। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर दोस्तों जाएंगे तो यहां पर भी दोस्तों आपको काफी कलर देखने को मिलेंगे अलग अलग टाइप के।
तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्लस का आइकन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पे आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ आपको जो दिख रहा है ये दो दोस्तों आपको यहाँ पर लाइनिंग दिखेंगी, इसमें से दोस्तों आप सभी पर अपना अनुसार क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो थोड़ा सा अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। सभी पे दोस्तों आप यहाँ पर एक एक करके क्लिक करके देखेंगे तो सभी का दोस्तों आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने इस वाले पे क्लिक कर लिया है तो बीच में हो गया, उसके बाद दोस्तों मैंने ओके कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों मेरे को जो कलर चाहिए, मुझे जो कलर चाहिए दोस्तों मैं आगे की तरफ देखता हूँ तो मैंने दोस्तों मुझे ये कलर खा लिया, मैंने यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ओके करेंगे तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर बैकग्राउंड का जो कलर है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आता है, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे, बीच वाला आइकन है इस पर फ्रेंड्स आपको जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ड्रो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स आपको ड्रो पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप ड्रो पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर काफी कलर देखने को मिलेंगे, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से कोई भी अपना कलर उठा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक उठा करके दिखाता हूँ, मैं दोस्तों यहाँ से पीला कलर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ से हमने उठाया पीला कलर, दोस्तों मैंने पीले वाले पर क्लिक कर लिया। दोस्तों यहाँ पर ये पीला है, इस पर दोस्तों मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने का दोस्तों मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जाऊंगा, यहाँ पर दोस्तों इसका जो साइज है वो 10, यहाँ पर दोस्तों हम कर लेते हैं इसको 15 से या 14 पर दोस्तों हमने कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो आइकन आता है ये वाला ऊपर वाला, इसको दोस्तों हमें ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर से तरफ थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा यहाँ से उठाना है। तो दोस्तों आपको यहां से टेढ़ा टेढ़ा ये उठाना है। उसके बाद दोस्तों यहां से हमने ऊपर की तरफ जाएंगे, इसको ऐसे करके दोस्तों हमने ये काट दिया। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा जो बैकग्राउंड है ये कट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव एज पे ऑप्शन आता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिले हुए देखने को, सेव एज प्रोजेक्ट और आपको दूसरा मिलेगा सेव एज इमेज। दोस्तों आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप सेकंड पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो पीएनजी का साइज मांगेगा और आपको नीचे आएगा कस्टम। कस्टम के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अल्ट्रा पर जाकर के सेव इमेज पे आपको दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका ये सेव गैलरी के अंदर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर एड आ जाएगा, एड को दोस्तों आपको यहाँ से स्केप कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस एड को स्केप करेंगे, एड को स्केप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। दोस्तों यहाँ से हमने इसको कर दिया डिलीट, हमारा ये बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट वाला, इंपोर्ट पर दोस्तों आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी गैलरी के अंदर लेके जाएगा। दोस्तों यहाँ से जो हमने इसका जो साइज बनाया था वो हमारा साइज यहाँ पर गैलरी से आपको उठा लेना है। उठाने के बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको जो उसका साइज है ऊपर जाकर के नीचे की तरफ दोस्तों आपको खींच देना है। जैसे दोस्तों आप इसको नीचे की तरफ जाके खींचेंगे तो दोस्तों आपका ये बैकग्राउंड पर जाके सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इसको जब उंगली से हिलाएंगे तो दोस्तों आगे पीछे की तरफ ये जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो दोस्तों लेयर का ऑप्शन आ रहा है इस वाला जो ये वाला ऑप्शन है, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। और उस पर क्लिक करने का दोस्तों आपको यहाँ पर ये लॉक का जो आइकन आ रहा है इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों दोबारा से आपको लेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप लेयर पर क्लिक करेंगे ये आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर उंगली टच करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से दोबारा से इंपोर्ट पर जाना है। इंपोर्ट पर जाने के बाद दोस्तों आपको गैलरी के अंदर जाना है। गैलरी के अंदर हम दोस्तों फोटो पर जाते हैं और दोस्तों हमें यहाँ पर अपना जो कोई इमेज दोस्तों हमने ये ले रखा है, यानी कि जो हमारा फोटो है पीएनजी के अंदर, वो आपको फोटो उठाना है। दोस्तों मैं यहाँ पर मैंने अपना फोटो को ले रखा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूं। मैंने दोस्तों इसको थोड़ा नीचे किया और यहाँ से दोस्तों ओके कर दिया। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा फोटो है वो हमारा यहाँ पर लग चुका है। ये दोस्तों हमारा फोटो लग चुका है। या दोस्तों आपको यहाँ पर ये थोड़ा जो साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो दोस्तों हमें इसका बड़ा करना है। इसको फोटो को दोबारा से डिलीट करेंगे, लेयर को ओपन करेंगे, यहाँ से हटा दिया हमने फोल लेयर को, दोस्तों हमने लॉक हो रहा है इसको हटा देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो साइज है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, तो बड़ा कर लिया यहाँ से दोस्तों, ये हमारा बड़ा हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमें लेयर पर जाकर के दोबारा से इसको लॉक कर देंगे। इसी प्रकार दोस्तों हमें क्या करना है, दोबारा से इंपोर्ट पर जाना है। इंपोर्ट पर जाने के बाद दोस्तों हमें दोबारा से गैलरी के अंदर जाना है और गैलरी के अंदर जाकर के दोस्तों हमें यहाँ से अपना फोटो को उठा लेना है। दोस्तों यहाँ से हमने अपना फोटो को उठा लिया है। फोटो उठाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ से ओके कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर ये लगा दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर लग चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दोस्तों ये वाला जो आइकन ऑप्शन आ रहा है इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से इसका साइज दोस्तों बड़ा कर लेना है और आप यहाँ से इस तरीके से इसको रख सकते हो।
दोस्तों हमने यहां पर इसका साइन लगा दिया, तो दोस्तों आपको यहां से ओके कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारा पीछे का जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर आ रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको हमें जो बैकग्राउंड के पीछे की साइज हमें इसका लेना है, जो हमारा साइज है इसको हमें पीछे करना है। पीछे करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला दोस्तों, ये वाला जो आपका ऑप्शन आ रहा है इस पर दोस्तों आपको तीन बार क्लिक करना है, यानी कि सॉरी दो बार दोस्तों आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप दो बार क्लिक करेंगे इसको नीचे की तरफ आप लेकर के आएंगे और आपको यहां पर छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर लेयर पर जाकर हटा देना है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो जो हमारा जो बैकग्राउंड के जस्ट पीछे हो चुका है, और इसी प्रकार दोस्तों आप यहां पर कर सकते हैं उसको। दोस्तों हमने यहां पर इसको बीच में रख लिया, दोस्तों हमने इसको बीच में ले लिया, और बीच में लेने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहां पर ही लगा दिया बीच में, दोस्तों हमारा ये सेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमें यहां पर क्या करना है, ए वाला जो ऑप्शन आता है इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप ए वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ए वाले आइकन पर दोस्तों आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहां पर टैग का ऑप्शन आएगा, यहां से दोस्तों आपको यहां से टैग मांगता है। दोस्तों आपको यहां पर सबसे पहले लिखना है क्या, दोस्तों आपको यहां पर लिखना है यूट्यूब बाई ओ यू, दोस्तों हमने यहां पर लिखा यूट्यूब और YouTube लिखा, और यहां से हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर इसी प्रकार ये लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको आगे की तरफ जाना है, इसका जो फॉन्ट है हमारा V वाला जो ऑप्शन आता है इस पर जाकर के दोस्तों हमें यहां पर ए लिख देना है। दोस्तों हमने यहां पर YouTube लिख दिया, उसके बाद दोस्तों हमें यहां पर छोड़ देना है। या इसका दोस्तों आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहां पर बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां पर एक बेहतरीन फॉर्मूला बताऊंगा कि दोस्तों आपको यहां पर दोबारा से इस पर हटा देना है और आपको ड्रॉ के अंदर जाना है। ड्रॉ के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, आपके पास कोई यूट्यूब का लोगो है तो आपको लोगो उठाना है, या तो फ्रेंड्स आपके पास लोगो नहीं है दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, आपको अपने मोबाइल्स के अंदर प्ले स्टोर के अंदर जाकर के दोस्तों आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है इमेज डाउनलोडर। इमेज डाउनलोडर फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जैसे फ्रेंड्स आप उसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने का दोस्तों आपको वहां पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस प्रकार दोस्तों आपका डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहां पर डाल रखा है पी यूट्यूब लोगो पीएनजी, तो आप यहां पर YouTube लोगो PNG भर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप कोई भी यहां से इमेजेस डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई भी आप यहां से फोटो डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप यहां पर वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे आपको YouTube के लोगो मिल जाएंगे, तो दोस्तों आप यहां से कोई भी YouTube लोगो आप PNG के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी फ्रेंड्स आप यहां से लोगो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी फेसबुक का लोगो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहां पर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप यहां पर इस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, आपको अपने गैलरी के अंदर जाना है। गैलरी के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां से अपना जो आपका लोगो है वो आपको यहां से उठा लेना है। दोस्तों यहां से हमने लोगो को उठा लिया है, लोगो उठाने के बाद दोस्तों यहां से हमने इसको साइज को थोड़ा सा छोटा कर लिया, ऐसे करके दोस्तों हमने इसका साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो ये थोड़ा सा हमने इसको टेढ़ा कर लिया, और यहां पर दोस्तों हमने इसको लोगो को लगा दिया। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो हमारा YouTube का जो लोगो है लग चुका है। इसी प्रकार दोस्तों आपको दूसरा लोगो भी उठाना है, तो दोस्तों आपको लोगो पे क्लिक करना है और ये आपको कॉपी पे आपको कर देना है। तो दोस्तों आपके यहां पे दो लोगो हो जाएंगे, इस लोगो को दोस्तों आप यहां पर लगा सकते हो थोड़ा छोटा करके। दोस्तों आपका यहां पर कुछ बेटर देखने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर जो बैकग्राउंड आ रहा है व्हाइट वाला, इस पर दोस्तों आपको लिखना है मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाए। तो दोस्तों यहां पर हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहां से दोस्तों हमें न्यू टैब उठानी है। तो दोस्तों न्यू टैब उठाने के बाद दोस्तों यहां पर हम इस पर जाकर के हम टाइप कर देंगे मोबाइल से थंबनेल, यानी कि दोस्तों हमने लिखा है मोबाइल से थंबनेल, इसको दोस्तों हम यहां पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों हम यहां पर इस पर क्लिक करेंगे, और यहां से दोस्तों हम इसका थोड़ा सा ये हमारा जो टाइटल है ये भी बैकग्राउंड भी कलर है, और इसका फॉन्ट का भी कलर यहाँ पर व्हाइट है, तो हमें यहाँ से कलर को चेंज कर देना है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों हमारा, और आप यहाँ से कोई भी कलर उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम कोई भी अदर कलर चॉइस करेंगे, तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये कलर ले लिया, या दोस्तों आप यहाँ पर और भी कलर काफी आपको यहाँ पर कलर देखने को मिलेंगे, आप यहाँ से कोई भी अदर कलर उठा सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां से ब्लैक कलर, या दोस्तों मैंने इसको ये कलर ले लिया। ये कलर लेने का दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर कुछ अलग अलग तरीके से दोस्तों आपको यहां पर लिखना है। दोस्तों यहां से हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर एक फॉन्ट का ऑप्शन आता है, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे या दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहां से कोई भी फॉन्ट उठा सकते हैं। दोस्तों यहां से हमने इस पर क्लिक कर दिया, दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो ये हमारा यहां पर लग चुका है। तो दोस्तों हमने यहां पर लिख दिया मोबाइल से थंबनेल।
दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया मोबाइल से थंबनेल, ये लिख दिया। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से हटा दिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ और बेटर बनाना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो दोस्तों आपको ये ड्रो का ऑप्शन आता है, इस पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप कोई अदर कलर उठा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या दोस्तों आप यहाँ से इस तरह से लगा सकते हैं, आप यहाँ से कोई भी और कलर लगा सकते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर कोई कलर नहीं लगाना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर इसी प्रकार ये कलर आप यहाँ से लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये लगा दिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर न्यू टैग उठानी है, और यहाँ पर दोस्तों न्यू टैग पे जाकर के दोस्तों हमें यहाँ पर टाइप करना है कैसे कैसे बनाए। ये दोस्तों हमारे यहाँ से एक टैग उठाया, और इस टैग को दोस्तों हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका जो फॉन्ट भी आप यहां से बदल सकते हो, या फिर आप बी पर जाएंगे, इस पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका यहां पर ये इस टाइप का दोस्तों आपका यहां पर हो जाएगा। इसका दोस्तों आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हल्का सा आपको चेंज करना है। उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, बैकग्राउंड पर जाना है, इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाला जो आइकन होता है, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे वाले की तरफ जाना है, ये आपको यहाँ से एकदम साइज का फिक्स ले लेना है। तो दोस्तों हमने इसका साइज ले लिया, ऊपर से भी हम दोस्तों हमें हल्का सा इसको कट कर लेंगे, कट कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर आगे की तरफ जाएंगे, स्टॉक पर जाएंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे, और थोड़ा सा ये दोस्तों इस जो हमारा एक व्हाइट का ऑप्शन आता है, इस पर हल्का सा इसको और इस टाइप से कर देंगे, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ये थंबनेल बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर थंबनेल बना सकते हैं। और भी दोस्तों आपको यहाँ पर काफी आपको यहाँ पर फ्यूचर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, काफी दोस्तों आपको यहाँ पर कलर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड का जो हमने कलर था, इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया। या दोस्तों आप यहाँ से कोई भी और कलर उठा सकते हैं, ये कलर लगा सकते हैं, कोई भी और कलर लगा सकते हैं। दोस्तों हमारा जो व्हाइट है, हमें व्हाइट अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों हमें व्हाइट ही रहने देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर यूट्यूब का जो लोगो है, इसको आपको यहाँ से हटा देना है। यूट्यूब का लोगो लेना है, तो यूट्यूब को लोगो को लेने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दोस्तों YouTube के लोगो पर दोस्तों आपको यहां पर क्लिक कर देना है, और आपको कॉपी पे कर देना है, तो दोस्तों आपका यहां पर ये लोगो लग जाएगा। दोस्तों आप यहां पर इस प्रकार अपना लोगो लगा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप यहां पर कोई भी इमेजेस लगा सकते हैं आसानी के साथ। दोस्तों आप यहां से कोई भी बढ़िया से बढ़िया इमेज भी लगा करके आप अपने थंबनेल को प्रोफेशनल बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या करना होगा, दोस्तों आपको ये पूरा थंबनेल कंप्लीट हो चुका है, पूरा थंबनेल दोस्तों आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, ये जो आपका सेव का जो ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट का, दोस्तों आपको यहां पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको सेव इस इमेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कस्टम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अल्ट्रा पर दोस्तों आपको यहाँ पर जाकर के सेव टू गैलरी पर दोस्तों आपको सेव कर देना है। सेव टू गैलरी पर जाकर के दोस्तों आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आप कोई भी थंबनेल बना करके और आसानी के साथ में सेव कर सकते हैं। जितना ज्यादा दोस्तों आप थंबनेल बनाना अच्छा सीख जाएंगे, जितना ज्यादा दोस्तों आप क्लिकवर्थ थंबनेल बना लेंगे, उतना ज्यादा दोस्तों आपकी वीडियो वायरल होती होगी। तो दोस्तों आप इसी प्रकार अपने मोबाइल फोन से पिक्सल लैब के माध्यम से थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, दोस्तों अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपको बेहतर जानकारी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, लव यू फ्रेंड्स।